डिस्ट्रिक्ट में जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिनको विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति भी कहते हैं, उनके लगभग 9,800 वोटर्स हमारे यहाँ हमारे रोल्स में हैं। तो जब द्वितीय SSR चल रहा था, तब हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जितने भी वोटर्स PVTG ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन सभी को जोड़ लिया जाए, और निश्चित रूप से जितने वोटर्स उपलब्ध थे मोस्टली जुड़ गए हैं, लगभग सभी जुड़ गए हैं। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो कमाने के लिए या माइग्रेंट वर्कर के रूप में काम करते हैं और बाहर गए हुए हैं, तो वैसे कुछ वोटर ज़रूर हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि अगले 3 से 4 दिनों में सभी से फॉर्म लेके हम लोग 100% PVTG इंश्योर कर लें कि सभी लोग जुड़ चुके हैं। और दूसरा जो इसका पहलू है वोटर टर्नआउट का, तो आप सभी जानते हैं कि PVTGs का जो पॉपुलेशन है वो एक तो बहुत स्कैटर्ड होता है, दूसरा ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बहुत कठिन होता है। तो ये पिछले बार भी हम लोगों ने व्यवस्था की थी और इस बार उसको और सुदृढ़ बनाया जाएगा कि अगर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पोलिंग बूथ रिलोकेट भी होते हैं, तो वैसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत बहुत दुर्गम हैं, बहुत रिमोट हैं या बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, या फिर जहाँ पे पोलिंग स्टेशन रिलोकेट होने की संभावना है, वहाँ पर हम सरकारी वाहन का भी उनको प्रावधान करेंगे और सरकारी वाहन के थ्रू उनको वोटिंग के लिए पोलिंग स्टेशन पे लाने का प्रयास करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 100% जो PVTG नागरिक वोटिंग करना चाहते हैं वो 100% हम लोग इंश्योर कर पाए। सर, जो प्रिमिट रहते हैं ग्रुप के लोग हैं सर, उनका वोट 100% हो सके, ये तो आपका प्रयास होगा ही होगा सर। अगर मान लीजिए सर उनको कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत होता है सर, उनको वोटिंग के लिए बहुत नज़दीक तक बूथ ले जाने का, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, हम लोग जैसा मैंने बताया वाहन की व्यवस्था जरूर करेंगे, और अधिकांश जो एरियाज हैं वो अब मोबाइल नेटवर्क से धीरे धीरे कवर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास लगभग 20 से 30 के बीच में पोलिंग स्टेशन्स हैं जो शेडो जोन में पड़ते हैं, और अधिकांश वैसे ही हैं जहाँ PVTG पॉपुलेशन अभी भी है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी से छूटा हुआ है। तो वहाँ पे विशेषकर हम लोग कैंप करके प्रयास करेंगे कि वाहनों से सभी वोटर्स को लाया जाए और सभी को वोटिंग करा के वापस सकुशल उनके घरों तक ड्रॉप कर दिया जाए, ताकि एक भी वोटर जो इच्छुक है वोट करने के लिए वो मतदान से वंचित हो। सर, एक समय ऐसा था कि जो आदिम जनजाति के लोग थे सर, वो भागते थे प्रशासन से, लेकिन इस बार देखा गया सर आपके कालखंड को अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो आपने विशेष फोकस किया, तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिनके माध्यम से भी सर ये बढ़िया प्रयास किया जा रहा है कि लगातार उन तक सारी चीज़ों को पहुँचाया जाए, तो सर उनके बीच में आप जाते हैं तो क्या लगता है प्रशासन से कितना कनेक्टिविटी है और चुनाव में भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो पाएगी, इसको लेकर कितना अनुमानित है सर आप? देखिए, जो हमारा इंटरेक्शन रहा है PVTG नागरिकों से, तो हमारा तो यही मानना है, हमारा अनुभव यही कहता है कि बिल्कुल वो जो लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया है उससे जुड़े हुए हैं और अपने वोट के थ्रू जो भी उनका जो चॉइस है या जो भी वो एक्सप्रेशन है वो वोट के थ्रू मतदान के थ्रू ही वो एक्सप्रेस करेंगे, और जो भारत के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, जो लोकतंत्र की खूबी है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा चुनावों में उन एरियाज में जहाँ PVTG बोलता है वो देखने को मिलेगी। सर, एज ए जिलाधिकारी आपने लोकसभा का चुनाव संपन्न करवाया, अभी विधानसभा का चुनाव आपके पास आ रहा है, तो इस बार सर किन किन बातों को विशेष फोकस करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को वोटिंग कर पाए सर? देखिए, वोटर टर्नआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए इशू है, ECI का, भारत निर्वाचन आयोग का भी और CEO ऑफिस से भी स्पष्ट डायरेक्शन है कि पिछले चुनावों में जो भी ऐसे पोलिंग स्टेशंस रहे थे जहां वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी या वोटर्स को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हुई थी, उन पर विशेषकर ध्यान दिया जाए, चाहे वो AMF हो, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हो, या फिर जो स्वीप की गतिविधि हो। और ये भी देखा गया था पिछली बार कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पे वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, खास करके अर्बन क्षेत्र में, तो कुछ लोग जो है वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे ज़्यादा लाइन में नहीं खड़े होना चाहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस बार ECI और CEO ऑफिस से ये भी हमारे पास स्पष्ट डायरेक्शन है कि जहाँ भी 1200 से ऊपर वोटर्स हैं वहाँ एक एडिशनल हम पोलिंग कर्मी दे सकते हैं ताकि जो वोटिंग की स्पीड है वो मेंटेन रहे। तो ये भी इस बार किया जाएगा, लगभग 32 बूथों पे हम लोग इस बार गुमला में ये एक एडिशनल पोलिंग पर्सनल को डिप्लाई करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अगर लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं चुनाव को लेकर, क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी अपील सभी गुमला वासियों से यही होगी कि हमारे तीनों असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में 13 नवंबर को पोलिंग है, आप सभी लोग जो है बिल्कुल बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और सभी लोग मतदान करने जरूर। आपने स्पष्ट देखा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से इस बार चुनाव की जो प्रेस वार्ता हुई इसमें स्पष्ट कहा था कि आदिम जनजातियों का वोटिंग परसेंट अच्छा हो सके, इसको लेकर प्रयास करेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद थे गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आदिम जनजातियों का वोटिंग 100% हो सके, इसको लेकर पूरा प्रयास किया जाएगा। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से लोकतंत्र के महापर्व में जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमारा इलेक्शन होने वाला है उसमें आप भागीदार बने और एक मजबूत लोकतंत्र स्थापित करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।